Hello my all YouTuber friends, welcome to my channel Gardening at Home. और friends, आज का मेरा ये video आपके ही सारे question के answer के series में है. तो friends, मैंने एक video already upload किया है अपने इसी question answer series में कि how I install my terrace garden. तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये आते थे कि मैंने अपने सेंटर गार्डन को कैसे बनाया है और मैं अपने टेरेस गार्डन को कैसे मेंटेन करती हूँ. इन सब चीज़ों पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे. तो मैंने अपने टेरेस गार्डन को लेके एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किया है. तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है मेरे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में, तो फ्रेंड्स वो कटिंग और सीडलिंग के ऊपर है. तो जैसा कि हमारा मौसम आ गया है रेनी सीज़न का और आप देख रहे हैं कितना ही प्यारा मौसम है. और आज सुबह से ही हमारे यहाँ बारिश हो रही थी और अभी हमारे यहाँ बारिश रुकी हुई है और आप देखेंगे कि तो छत भी सारे बहुत ही गीले गीले से हैं. और फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें भी कर लूं और वीडियो भी अपलोड कर लूं. तो फ्रेंड्स, इस समय जो मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं रेनी सीज़न पे कि हम रेनी सीज़न में कौन कौन से प्लांट्स नर्सरी से लेके आए और कौन कौन से प्लांट्स हम अपने इस समय कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सीडलिंग को लेकर भी. तो फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आपसे शेयर करूंगी और उनका आंसर आपसे शेयर करूंगी. तो फ्रेंड्स, देखिए जैसा ही हमारा मौसम में थोड़ी नमी आई और हमारे रोज़ेस भी कितने अच्छे से ब्लूम करने लगे. तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही दो बारिश में हमारे प्लांट्स की ये कंडीशन देखिए बिल्कुल रिसाइकल हो गई और कितने ही प्यारे हमारे रोज़ इस समय ब्लूम हुए हैं. और लगभग कई सारे प्लांट्स में मुझे आज रोज़ दिखाई दिए. तो फ्रेंड्स, ये है मौसम का जादू. तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं अपने सारे क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे रोज़ पे आता है कि हम रोज़ की कटिंग कब लगा सकते हैं. तो मैंने आपसे शेयर किया है कि अपने देसी वैरायटी के रोज़ जो होते हैं उनकी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं. और ये देखिए, हमारा देसी वैरायटी का रोज़ भी आज एक ओपन हुआ है. और हाइब्रिड वाले की कटिंग आप ना ही लगाएं तो अच्छा है. आप उसे अगर कटिंग के ज़रिए लगाते हैं तो वो आपका देसी हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है. तो इस समय फ्रेंड्स, रोज़ आप ला सकते हैं अपने गार्डन में. तो जो भी व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इस समय रोज़ वो बाय कर सकते हैं क्या, तो फ्रेंड्स, आप इस समय रोज़ अगर आपको बहुत ख़रीदने का मन है तो आप फ्रेंड्स बटन रोज़ या फिर देसी रोज़ की वैरायटी अपने गार्डन में लेकर आएँ. हाइब्रिड की वैरायटी अभी आप ना लाएं, उन्हें अभी थोड़ा आप इंतज़ार करिए और थोड़ा विंटर आने के बाद सितंबर अक्टूबर में आप लेके आएँ. अभी आप अगर आपको बहुत मन है रोज़ लेने का तो आप देसी वैरायटी का लेके आएँ या फिर बटन रोज़ेस लेके आएँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि हम रोज़ इस समय ख़रीद सकते हैं, तो आई होप आपको उसका आंसर मिल गया होगा कि आपको हाइब्रिड वैरायटी नहीं लेनी है, आपको देसी वैरायटी लेनी है और बटन रोज़ेस लेने हैं. तो फ्रेंड्स, बटन रोज़ेस भी इस समय बहुत अच्छे ब्लूम करते हैं, तो आप बटन रोज़ेस लेके आइए. मैं सजेस्ट करूँगी वो बंचेस में खिलते हैं. और फ्रेंड्स, सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है वो हमारे सॉइल मीडिया के ऊपर है कि हम अपनी कटिंग को कौन से सॉइल मीडिया में लगाएँ ताकि हमारी कटिंग जो है वो अच्छे से ग्रो हो सके. तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी अभी एक वीडियो अपलोड किया है अपने क्रिसेंथेमम की कटिंग को लेकर, तो उसमें मैंने सॉइल मीडिया भी बताया है. लेकिन फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आप 50% कोकोपीट लीजिए और 40% आप उसमें कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास हो, या तो आप लीफ कंपोस्ट ले लीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए. फ्रेंड्स, काउ डंक आप उसमें ना लें क्योंकि काउ डंक गर्म होता है, उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है और वो हमारे उसमें
सीडलिंग्स हो या फिर कटिंग हो, वो उसमें उतने अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए और कोकोपीट लीजिए और उसमें 10% सैंड की भी मात्रा मिला लीजिए। और अगर आपके पास फ्रेंड्स कोकोपीट अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोकोपीट की जगह सैंड को भी ले सकते हैं। तो आप 50% सैंड ले लीजिए और 40% कंपोस्ट ले लीजिए, उसमें भी आपका काफ़ी अच्छे से कटिंग ग्रो होगा। और फ्रेंड्स, ये मीडिया आपकी सीडलिंग के लिए भी है, ये सॉइल मीडिया आप अपने सीडलिंग्स ग्रो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं मिट्टी नहीं यूज़ करती हूँ कोई भी कटिंग और सीडलिंग के लिए। तो अगर आप मिट्टी यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें 20% सॉइल भी मिक्स कर सकते हैं, पर बिल्कुल सॉफ्ट और पोरस मिट्टी होनी ज़रूरी है, इसलिए मैं मिट्टी अवॉइड करती हूँ और उसके जगह कोकोपीट ही यूज़ करती हूँ। और थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे सीडलिंग को लेके है कि हम किस समय विंटर की सीडलिंग करें। तो फ्रेंड्स, अभी आप कोई भी सीडलिंग अभी ना करें विंटर के फ्लावर्स की, चाहे वो क्रिसेंथेमम हो या कोई भी हो। तो उस क्रिसेंथेमम के वीडियो को जब मैंने अपलोड किया है कटिंग के लिए कि कटिंग से कैसे ग्रो करें, तो उसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि मैं क्रिसेंथेमम की सीडलिंग कब करूं और कैसे करूं। तो फ्रेंड्स, सीडलिंग के लिए अभी आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा मॉइस्चर और मेंटेन होने दें अपने एटमॉस्फेयर में, थोड़ा और ठंडक हो, थोड़ी और बारिश हो जाए, तो अगस्त में आप सीडलिंग कर सकते हैं क्रिसेंथेमम की। तो फ्रेंड्स, क्योंकि क्रिसेंथेमम में हमें पिंचिंग करना होता है और जब तक हम उसमें पिंचिंग नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट बुशी नहीं होगा। तो चाहे वो आप कटिंग लगाएं या फिर सीडलिंग करें, तो उसमें पिंचिंग मस्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी रुक जाएं सीडलिंग के लिए, अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और क्रिसेंथेमम की सीडलिंग आप फ्रेंड्स अगस्त में कर सकते हैं, और बाकी सारे विंटर्स जो आपके फ्लावर हैं वो आप अक्टूबर से सीडलिंग स्टार्ट करिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी सीडलिंग की बात कि हमें विंटर फ्लावर्स की सीडलिंग कब करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फंगिसाइड पाउडर के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने व्यूअर्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करना अपनी सीडलिंग पे और अपनी कटिंग पे क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अक्सर जो हम सीडलिंग करते हैं तो हमारे प्लांट्स को फंगस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बरसात में, क्योंकि हमारे बरसात में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही, जिसे कहें कि नमी बहुत ज़्यादा होती है, और नमी के वजह से हमारे प्लांट्स में फंगस हो जाता है और फंगस की वजह से ही हमारे प्लांट जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अभी जब भी अपने सीडलिंग्स को लगाएं या कटिंग्स को लगाएं तो उसमें एक बार फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे ज़रूर करें, और हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे। तो फ्रेंड्स, मुझसे ये भी क्वेश्चन किया गया था कि कितने कितने दिनों के अंतराल पे फंगिसाइड पाउडर का पानी देना है। तो आप 15 दिन के अंतराल पे फंगिसाइड पाउडर का पानी अपने सीडलिंग्स पे और अपने कटिंग पे डालते रहें। और फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि इस समय किस किस प्लांट्स की सीडलिंग हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय आप अपने सिलोसिया की सीडलिंग कर सकते हैं, और ये देखिए सामने ही हमारा कॉस्कॉम्ब की सीडलिंग कर सकते हैं, और फ्रेंड्स बालसम की सीडलिंग कर सकते हैं। अभी भी मेरे कुछ प्लांट्स जो हैं जो मैंने फरवरी में सीडलिंग की थी, उसके देखिए अभी भी फ्लावर अभी भी ओपन हो रहे हैं, पर फ्रेंड्स बरसात शुरू हो गई है और ये प्लांट्स ओवर वाटरिंग से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। जब इसमें ज़्यादा पानी पड़ता है तो ये नीचे से गल के डैमेज हो जाते हैं, और बस कुछ ही दिन इनके और हैं और लगातार बारिश की वजह से ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय आप बालसम की भी सीडलिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सामने हमारा गौरफेना, तो गौरफेना की सीडलिंग्स भी आप इस समय कर सकते हैं, और मॉर्निंग ग्लोरी की सीडलिंग आप इस समय कर सकते हैं, और फ्रेंड्स आप मैरी गोल्ड की सीडलिंग भी इस समय कर सकते हैं। तो इस समय आप अपने घर में, अगर आपको मैरी गोल्ड पसंद है तो इसकी सीडलिंग कर लीजिए। देखिए मेरे भी कितने सारे प्लांट्स जो हैं वो निकल आए हैं, बेबी प्लांट्स। और फ्रेंड्स, आप अपने
विनका की भी सीडलिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मेरे कुछ बेबी प्लांट्स रेडी हुए हैं विनका के, तो आप अपने विनका को भी इस समय सीडलिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा कॉस्मोस और इसकी भी सीडलिंग हम इस समय कर सकते हैं। तो जो भी हमारे समर फ्लावर्स हैं उनकी सीडलिंग आप इस समय एक बार और कर सकते हैं, गैलेडिया की भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ फ्लावर प्लांट थे जिनकी सीडलिंग आप इस समय कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरा ये वीडियो और वीडियो के टॉपिक्स अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय।